इज्तमाही फिर से मैं बयान कर लूं कि क्योंकि इस कानून का असर बिलखसूस चीफ जस्टिस और उनके दो सीनियर जजिस पे होता है, क्योंकि एक तरफ चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं उनको अगर कम नहीं तो महदूद किया जा रहा है एक तरह से, तो दूसरी तरफ यही इख्तियारों को बांटा जा रहा है सीनियर जजेस में। फिर सवाल ये उठता है कि यही बात उन जजेस पे भी होगी जो मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस और उनके सीनियर जजेस होंगे, तो इस ये हमें इसका बहुत ख्याल रखना है। और इसी एक तरफ तो मैंने सोचा था कि शायद मैं इस बेंच का हिस्सा ना बनूं, फिर जब हमने देखा तो सभी तकरीबन बहुत सारे जजेस मुतासर होंगे, तो फिर क्रैक कोई कौन से जजेस जाएंगे, तो बेहतर है कि तमाम साथी ही सुने ये केस को। तो ये क्योंकि ये इख्तियार है, ये एक हद तक जंग का लफ्ज़ तो बहुत माने खेस है, मगर एक हद तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात और पार्लियामेंट के इख्तियारात आमने सामने बयान किया जा रहा है कि आ खड़े हुए हैं। कुछ हम में से कुछ समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है, कुछ समझते हैं कि शायद ऐसी बात है, तो ये बातें ज़रा आप हम अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं। मगर अब ये भी नहीं, इसका मतलब है कि सुनवाई का मतलब ये नहीं कि आप दिनों एक बहस करते चले जाएं। आप में से माशाल्लाह ख्वाजा साहब ने, अटॉर्नी जनरल ने और दूसरे सलाउद्दीन साहब ने कलमबंद भी कर दिए हैं अपने दलाइल, वो हमने पढ़ लिए हैं या पढ़ लेंगे। तो अगर आप चीदा चीदा बातें करें केस के मुतालिक, और क्योंकि ये आज केस हमारी कोशिश के इख्तिताम कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक केस लेकर बैठ जाएगी, तो आपको पता है पहले हमारे पास कितने मुकदमे हैं, तो उनमें वो बढ़ते जाएंगे, तो हमें ये आपको यकीनन सुनेंगे। और अगर फिर भी मज़ीद बहस करना चाहें तो आप अपने दलाइल, अगर आप फिर भी कुछ रह गया हो तो आप तहरीरी तौर पर दे दीजिए। तो बस इन कलमात के साथ मैं अब शुरू करते हैं आगाज़। ख्वाजा साहब, आप बहस तो कर चुके हैं, आप बेहतर समझेंगे कि अटॉर्नी जनरल के को सुन लें, फिर आप उनका भी राइट, आप अपना आपका यकीनन जवाब देने का हक महफूज रखेंगे, तो आप उज़्ज़ कर सकते हैं मेरे, और आपने दलाइल लिख के भी दे दिए हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ जी, फरमाइए। With my help of my two grandsons, I was ये देखिए ये बात बिल्कुल गैर जरूरी थी। सॉरी ख्वाजा साहब, मैं यहीं आपको टोक दूंगा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा ऐसी बातें, मैंने आपको अभी गुजारिश की है, नहीं ये बातें ना करें। By the help of my grandsons, I was asked, ये क्या बात है? I was asked 20 questions. I have replied. जी हमने देख लिए हैं। I replied them in writing. If the attorney general is going to reply to them, then I reserve my right to. जी हम यही आपको कह रहे हैं कि आपको यकीनन मौका देंगे। And I have done that in my CMA 8252 of 2023. जी तो अगर किसी और को कोई इस पे इतराज नहीं है तो अटॉर्नी जनरल आगाज कर सकते हैं। एक शख्स एक वक्त में आके स्पीकर के सामने बात करें, दूसरे शख्स को जगह दे दें। योर ऑनर, मैं कार्रवाई शुरू होने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। माइक में बात कीजिए। योर ऑनर, मैं कार्रवाई शुरू होने से पहले गुजारिश करना चाहता हूँ। आई हैव चैलेंज द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, और जो बिल चैलेंज हुआ है इन दोनों को मैं अलहदा समझता हूँ, क्योंकि बिल जो है उसको चैलेंज करना, अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं आपको इतराज है, अटॉर्नी जनरल आगाज करें बात का, हाँ या ना। सवाल आपने नहीं सुना था? हाँ सर, वो कर ले तो फिर बस ठीक है, यही पूछा ना, अभी और आप बहस ना कीजिए ना। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि आपको इतराज है उनके बहस करने से, तो फिर हम आपको पहले सुन लेते हैं। नहीं, वन लाइन में अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये बिल को और अगर उसको अलहदा सुनिए। दोबारा आपने बात शुरू कर दी। वही आपने इसको अहमियत नहीं दी? इस केस को I was already traveling, it was fixed on a Saturday, so my lord,
आप किसके लिए हैं? नाम बताइए किसके लिए? मुदस्सर हसन मालोट। कौन है मुदस्सर हसन? इज अ लॉयर मालोट, इज अ पिटीशनर। किधर है, दिखाएं उनको। इतने लंबे नहीं, मुख्तसर बात कर लें तो कर लें। अच्छा, आप करना चाहते हैं, और पिटीशनर की तरफ से कौन है? I have a petition number 33. आप प्लीज बता दें, आप पहले सुनना चाहते हैं अटॉर्नी जनरल को? If I am allowed to argue first, my lord. अच्छा ठीक है, कर लेते हैं, चलें। आ जाइए आप जी, चौधरी साहब बताइए। CP 20 सर। नहीं, आप पहले बहस करना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं। अच्छा, आप किसके लिए, किसके लिए हैं? आप किसके लिए हैं? लॉर्ड नियाज़ुल्लाह नियाज़ी पेटिशनर है, मौजूद है। कौन है, वकील हैं? He is an advocate and former president of the Islamabad High Court. आप सीनियर हैं, आप बताइए आपका केस नंबर क्या है? CP 20 CP 20